हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेपर स्टडी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पेपर स्टडी में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ डायनेस्टीज़ और उनके फाउंडर्स के बारे में, और उसका क्या टाइमलाइन रहा, मतलब टाइम पीरियड क्या रहा, उसको देखेंगे। जैसा कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम करीब आ रहा है, आप सभी को पता है, तो इसके लिए हम ये एक रिविज़न वीडियो लाए हैं जिसमें आप सभी डायनेस्टीज़ और उनके कैपिटल, फाउंडर और उनके टाइम पीरियड को जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। यूपीपीसीएस इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो हरियक डायनेस्टी है, हरियक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं बिंबिसार, और इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, यानी जो अभी करंट का पटना है। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 544 BC से 413 BC तक, ठीक है। इसके बाद है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे शिशुनाग, इनकी कैपिटल थी वैशाली, और ये 413 से 395 BC तक है। इसके बाद आती है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे महापद्मनंद, इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जो भी अभी करंट का पटना है। इनके शासनकाल का टाइम पीरियड था 343 से 321 BC तक। इसके बाद आता है आपको मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनकी भी कैपिटल थी पाटलिपुत्र यानी पटना, और इनका जो शासनकाल रहा वो रहा 321 BC से 185 BC तक। इसके बाद आती है आपकी शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे पुष्यमित्र शुंग, और इनकी भी कैपिटल थी पाटलिपुत्र यानी राजधानी पटना थी, और शासनकाल रहा 185 से 73 BC तक। इसके बाद है कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी के फाउंडर हैं वसुदेव, और कैपिटल है पाटलिपुत्र यानी पटना, और इन्होंने 72 BC से 28 BC तक इनका शासनकाल रहा। इसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे सिमुक, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठान। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1 BC से 3 BC तक। इसके बाद आती है कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो थे कडफिसस वन, और इनकी जो कैपिटल है वो थी पुरुषपुर यानी पेशावर, जो करंट टाइम में अभी पाकिस्तान में है, वो लोकेशन पे इनकी कैपिटल थी कुषाण डायनेस्टी की, और शासनकाल था 1 BC से 3 CE तक। इसके बाद आती है आपकी गुप्ता डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त, और इनकी भी कैपिटल थी पाटलिपुत्र यानी पटना, और इनका जो शासनकाल था वो मिड टू लेट 3rd century से कॉमन एरा से लेकर 573 AD तक था, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी हून डायनेस्टी। हून डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे तुर्मन, ठीक है, और इसकी कैपिटल थी सियालकोट, और इनका टाइम पीरियड था 206 BC से 220 BC 206 BC से 220 AD तक का इनका टाइम पीरियड था। फिर उसके बाद आपकी आती है पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे नंदवर्मन, और इनकी कैपिटल थी थानेश्वर कन्नौज, जो यूपी में है, और टाइम पीरियड था 6th to 7th century कॉमन एरा। इसके बाद आती है पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे सिंहवर्मन 4th, ठीक है, उसकी कैपिटल है कांचीपुरम, और इनका जो शासनकाल रहा वो 4th century से 9th century तक रहा। इसके बाद है आपकी चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं जयसिम्हा, और इसकी कैपिटल थी वातापी यानी कल्याणी, दो नाम थे इसकी कैपिटल के, वातापी और कल्याणी। ये 543 BC से 543 कॉमन एरा से 757 कॉमन एरा तक इसका रहा। उसके बाद चालुक्य डायनेस्टी सेकेंड, दो चालुक्य डायनेस्टी, इसके फाउंडर तेलवन है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले पेपर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस मिलती रहे। इसके बाद है आपकी ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी। इसके जो कैपिटल थे, इसके जो फाउंडर थे वो थे विष्णुवर्धन, और इसकी कैपिटल थी वेंगी। ये 600, इनका जो टाइम पीरियड था वो 624 AD के आसपास था। उसके बाद आती है राष्ट्रकुटा डायनेस्टी। राष्ट्रकुटा डायनेस्टी के फाउंडर हैं दंतीदुर्ग, और इनकी कैपिटल थी मान्यखेत, और इनका शासनकाल रहा 775 से 982 कॉमन एरा तक। इसके बाद आती है पाला डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे गोपाल, और इनकी कैपिटल थी मुंगेर। ये 8th century से 12th century तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद है गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी।
इसके फाउंडर थे नागभट्ट, इसकी कैपिटल थी मलवा। ये 8th-mid 8th century से 11th century तक के इनका शासनकाल रहा। इसके बाद है सेना डायनेस्टी, इसके फाउंडर हैं सामंतसेन, इसकी कैपिटल है सी। ये 11th century से 12th century तक रहा। इसके बाद है गढ़वाल डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे चंद्रदेव, इसकी कैपिटल थी कन्नौज, ये भी 11th से 12th century के बीच रहा। इसके बाद है फिर चौहान डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी के फाउंडर हैं वासुदेव, जिनके फेमस राजा थे पृथ्वीराज चौहान। ये कैपिटल है अजमेर। ये 6th to 12th century तक रहे। इसके बाद है आपकी चंदेला डायनेस्टी, इसके फाउंडर हैं नन्नुक, इन्हीं को चंद्रवर्मन भी कहते हैं। इनकी कैपिटल है खजुराहो, जो कि एमपी में है, खजुराहो के मंदिर कैपिटल है। और शासनकाल है 831 से 845 का मनेरा तक। उसके बाद है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, इनके जो फाउंडर हैं वो है अनंत वर्मन, इनका फुल नेम है अनंत वर्मन चोड़गंगा। इनकी कैपिटल थी कलिंग नगर। इन्होंने 1028 से 1434 कोमनेरा तक के इनका टाइमिंग है। उसके बाद है वेस्टर्न गंग डायनेस्टी, इसके फाउंडर हैं कोंकणी वर्मा। तो ये जो ईस्टर्न गंग डायनेस्टी है, ये आपकी कलिंगा यानी उड़ीसा में है, करंट टाइम का उड़ीसा वाला पार्ट है। और जो वेस्टर्न गंग डायनेस्टी है, ये करंट टाइम का कोलार यानी कर्नाटका वाला पार्ट है। कोलार में गोल्ड माइंस है, वही है KGF, जो कोलार गोल्ड माइंस अभी आपने देखी होगी। इसका जो टाइम पीरियड है वो था 350 से 1000 कॉमन एरा। इसके बाद है आपकी उत्पल डायनेस्टी, इसके फाउंडर हैं अवंती वर्मन, इसकी कैपिटल है कश्मीर, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अवंतीपुरा में एक मंदिर बना हुआ है। उसका जो है निर्माण इन्हीं ने, अवंती वर्मन ने ही करवाया था। 855 से 883 कॉमन एरा तक। इसके बाद है परमार डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी के फाउंडर हैं उपेंद्र, इन्हीं का नाम कृष्ण राजा भी है, और इसकी कैपिटल है उज्जैन। बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल धारानगरी शिफ्ट कर ली थी। पीरियड इनका शासनकाल का टाइम पीरियड है 9th to 1305 को मनेरा। सोलंकी डायनेस्टी के फाउंडर है मूलराज वन, और कैपिटल है अनिलवाड़, और ये 940 को मनेरा से 1240 को मनेरा तक शासनकाल रहा इनका। इसके बाद है चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी के फाउंडर हैं विजयालय, इनकी कैपिटल है तंजावुर, और जो इनका शासनकाल रहा वो 9th century में रहा। यहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको।